एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी, इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहां तक नए एक्ट का सवाल है, उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो, और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा, तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए, इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था, और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और साथ ही उन लोगों ने फराली के विषय में भी एक ऑर्डिनेंस है उस पर भी उनकी शंका है, विद्युत एक्ट है उस पर भी उनकी शंका है, इस दिशा में भी बातचीत की थी, तो इसमें भी सरकार पूरी तरह विचार करने के लिए ओपन है। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो ज़मीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है, कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की ज़मीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है, लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी, इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। बैठक में ये बात हुई कि हम लोग बोला कि जो तीनों बिल है वो रद्द करें तो हमारा ठीक है, कॉम्प्रोमाइज है, नहीं तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। तो मीटिंग में कोई फैसला हुआ? नहीं, अभी नहीं बोला, सोचेंगे। कल और परसों हमारे द्वारा मीटिंग रखने का उन्हें बोला है, वो भी हम भी सोचेंगे। किन-किन मीटिंग पे सहमति बनी है और किन-किन बातों पे नहीं बनी है? नहीं, सहमति कोई बात ही नहीं ऐसी हुई, सहमति हुई कि नहीं हुई। देखो, जब वो रद्द करेंगे तो हमारी सहमति है, नहीं तो नहीं कोई सहमति। तो आपकी मांग पर सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा? उसने बोला कि हम पीएम से बात करेंगे, तो जो होगा करेंगे।